नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे पिछले वीडियो को देखने व सराहने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको क्यूकनॉफ की सैर करवाऊँगा और इसमें जो निर्देश हैं वो पूर्णतः हिंदी में दिए हुए हैं। प्रवेश द्वार पर पहुँचते ही आप यहाँ पर सबसे पहला काम ये करें कि क्यूकनॉफ जो पूरा बगीचा है उसका मानचित्र अवश्य लें। इस मानचित्र की कोई कीमत आपको नहीं देनी है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जैसे दाएं या बाएं और जैसे भी चलना शुरू करेंगे तो अलग अलग जो बहुत ही ज़रूरी जगहें हैं जो आपको देखनी है वो सारी आपको इस मानचित्र के द्वारा पता लग जाएंगी। तो प्लीज़ इसे एंजॉय करिए। आपके ज्ञान के लिए बता दूं, क्यूकनॉफ एक बहुत बड़ा बगीचा है फूलों का। और नीदरलैंड्स में जैसे ट्यूलिप्स फूल होते हैं तो उन ट्यूलिप्स की बहुत सारी जो अलग अलग किस्में हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जो बगीचा है, लोग अगर गर्मियों में नीदरलैंड घूमने के लिए आते हैं या यूरोप में किसी भी जगह पर घूमने के लिए आते हैं तो आम्स्टरडैम एक देखने लायक जगह है। और वहीं एम्स्टरडैम से अराउंड 30 मिनट का टाइम लगता है क्यूकनॉफ पहुंचने के लिए। क्यूकनॉफ में आप अलग अलग तरह की बहुत सारी जो ट्यूलिप फूल हैं और कुछ और किस्में भी फूलों की हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में मैंने ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी है, तो ये सुंदर दृश्य आप एंजॉय कर सकते हैं।
Thank you.
क्यूकनॉफ के लिए आप चाहें तो पहले ही क्यूकनॉफ की वेबसाइट से टिकट्स बुक कर सकते हैं, और क्यूकनॉफ पहुंचने के लिए आप स्किफोल से रेगुलरली लगभग हर घंटे बसें चलती हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल सारी डाली हुई हैं, अगर आप बाई बस वहाँ जाएंगे, और अगर आप बाई कार जा रहे हैं तो पार्किंग जो है वो आप एडवांस में ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी अगर जैसे जगह ना मिले वहाँ जाके तो मुश्किल हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक करें।